सभी किसान भाइयों को मेरे ब्लॉग्स पे स्वागत करते हुए, और ये हमारे पास में स्टॉक आ चुकी है दाने के लिए। और अभी मैं खिला रहा हूँ न्यूटी को, पिक फिट ग्रोवर दे रहा हूँ मैं सबको ही। श्रीराम कैटल फिट का है ये माल यहाँ पर। तो ये देखिए, माल का स्टॉक आ चुका है, कल रात को ही आया है। और जो बच्चों के लिए है वो हम दे रहे हैं स्पेशली डीह्यूस, और ये रहा स्टार्टर फिट दे रहे हैं आपको। और जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है इनकी, तो आप देख सकते हैं। अगर आप लेने से जो बच्चों के लिए है वो बेस्ट है, आपको 1 महीने या 1.5 महीने के बाद में जो बच्चे छूट देते हैं दूध, दूध देने के बाद में हमने लेनी है डीह्यूस की स्टार्टर फिट। और ये सबसे बेस्ट होती है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। और इनकी क्वालिटी भी सबसे वर्ल्ड की बेस्ट नंबर 1 केजी है। और आप सभी लोग पूछते हैं कि कितना रहता है, तो स्टार्टर फीड ये देखिए 25 केजी का रहता है ये 3850 के नाम से। ये डी ह्यूज की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया रहती है, वर्ल्ड नंबर 1 क्वालिटी है। और इनका जो कलर है ये अभी वाला जो स्काई ब्लू कलर है, ये सिर्फ स्टार्टर पैक में मिलेगा। बाकी जो कलर रहेगा वो कलर आपको बाद में चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे मान के चले स्टार्टर हो गया, वो हमको यहाँ पे मिल नहीं रहा है। स्टार्टर का कलर ये है, उसके बाद में ग्रोवर का अलग कलर रहेगा, फिनिशर का अलग कलर रहेगा। और क्वालिटी आप देख सकते हैं ये वाली बहुत ही बढ़िया है। तो अभी ये वाला जो बच्चों के लिए है, हम ये वाला 850 जो ड्यूस है ये हम दे रहे हैं। और जो बड़ों के लिए है, बड़ों के लिए हमने यहाँ पे जो बताया आपको ये न्यूट्रीकोर अभी ये दे रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि दाना चेंज चेंज करके दे रहा हूँ। और जो ग्रोथ है इनकी सबसे बढ़िया लग रही है इसको न्यूट्रीट को खिला के। तो सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर आप दाने के बारे में भी पूछना चाहते हैं तो मैं जो दाना फैक्ट्री है तो उसका मैं नंबर दे दूंगा। बट एक चीज़ होता है कि जैसे आपने वहाँ से ट्रक ट्रक ले जानी है, या 150, 200 या 500 बैग ले जाने पड़ेंगे, तभी आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर आप कहीं से मंगवाते हैं, अगर आप सोचते हैं कि यहीं आके आप ले जाएंगे तो भी आप ले जा सकते हैं। तो चलिए फॉर्म की ओर चलते हैं। तो दाना हमने ये भर लिया है, अभी हम ये डीह्यूस भर लेंगे, उसके बाद में फॉर्म की ओर चलेंगे। फॉर्म पर आ सकते हैं। और देखिए, मैंने ऑलरेडी क्लीन कर रखा है, तो भूख से बिलबिला रहे हैं बच्चे, ऑलरेडी बिलबिला रहे हैं। तो अभी हम दाना देते हैं, तो दाने के बाद में आज का वीडियो बनाते हैं। हमने दाना दे दिया है, और मैं सबको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं फ़र्श पर ही दाना देता हूँ, इससे मेरे को सफाई पर थोड़ा सा जो है सुविधा होता है। इसको भी दाना दे दिया हूँ, और आप देख सकते हैं मादा की ग्रोथ क्वालिटी, आप देख सकते हैं। इनको भी यहीं दाना दे दिया हूँ, और बच्चों को भी हमने यहीं दाना दे दिया है। आप देख सकते हैं जो इनकी क्वालिटी है बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। बीच में इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रुक गई थी, तो अभी देखिए बेस्ट फीड के साथ में खा के ये लोग अभी इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी करेंगे। और यहाँ पे हमारी मादा है, ये थोड़ा सी वीकनेस है, तो इसको भी मैं दाना अच्छी तरीके से दे रहा हूँ, तो इसकी क्वालिटी भी ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे। और यहाँ एक और मादा है हमारी, तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो दाना हमने थोड़ा सा अभी फ़िलहाल बढ़ा दिया है इस चीज़ को लेके। तो जैसे मान के चलिए अगर आपकी मादाओं का ग्रोथ कम है तो दाना इनको अच्छा दीजिए, थोड़ा ज़्यादा करके दीजिए। तो मेरे जो भाई है, किसान भाई है या सब्सक्राइबर भाई है, वो पूछ रहे थे कि दाना के ऊपर भी आप बनाइए तो बेस्ट रहेगा जो वीडियो है। तो देखिए, दाना ऐसा है कि दाना सुबह सुबह ये 2 किलो खाती है, शाम को 2 किलो खाती है। अगर आप उस हिसाब में चले जाएंगे, इनकी जो ग्रोथ है वो अभी मान के चलिए 150, 170, 180 केजी करीबन है, 200 केजी के समथिंग है। अगर आप इनको और दाना जैसे सुबह 2 किलो शाम को 2 किलो आप देंगे उसी हिसाब से जाएंगे, तो इनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी। और बाद में क्या होगा, आपको जो क्रॉस के साथ, जब आप क्रॉस कराएंगे इनके साथ में किसी नर के साथ में, तो ये क्रॉस नहीं हो पाएगी, बहुत ही ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा। और जो इनके बच्चे हैं, जैसे ड्यूरक जैसे 15 बच्चे देते हैं, तो वो 15 बच्चे भी नहीं दे पाएंगे, तो इनकी चर्बी ज़्यादा लग जाएगी। तो मैंने इनका जो भी है दाने के ऊपर मैं मेंटेन करके रखा है, तो इनकी जो है बॉडी वेट ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सुबह 2 किलो शाम को 2 किलो अगर आप दिया जाए हर एक आपको सुअर को, या जो है हमारी मादा को, या उनके नर को, तो ये वेट गेन करते जाएंगे। ये करीबन 200 किलो पार है अभी फ़िलहाल, तो मादा का भी देख सकते हैं 171 होती है। तो आप ये वाला बैलेंस थोड़ा सा आप मेंटेन करके रखिए, कि अगर नर का 200 किलो या 180, 170 की जो है
तो मादा का भी कम से कम 170-180 होना चाहिए या नर का 200 किलो होना चाहिए। तो थोड़ा सा डिफरेंस 20-30 किलो का इधर उधर रख सकते हैं या 10 किलो का इधर उधर रख सकते हैं, ताकि बाद में आपको प्रजनन की जो समस्या रहती है वो नहीं हो पाएगी। जैसे ही अगर आप ज़्यादा ज़्यादा खिलाएंगे तो उनका वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा, और सबको पता है वर्ल्ड वाइड में आपको ड्यूरक जो है बहुत ही कम समय में ज़्यादा वेट गेन करके देता है, आपको वेट निकाल के देता है। तो ये वाली चीज़ें हैं इनके ऊपर में। तो ऐसा नहीं है कि आप ड्यूरक ले लेंगे और दाना आप ज़्यादा खिलाएंगे, या हाँ एक चीज़ हो सकता है आपके लिए, जैसे आप ये आप जो फॉर्म के लिए पाल रहे हैं तो इनको थोड़ा सा वेट मेंटेन कर लीजिएगा काइंडली। उसके बाद में जो जो मान के चलिए कि जिनको आपने मीट पर्पज से निकालना है, जैसे खस्सी हो गया या मान के चलिए कोई और चीज़ ग्रो करना है, तो उनको आप मैं चाहूँगा कि दाना दो टाइम दीजिए, पर थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा करके दीजिए, तो उनका जो ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी बढ़ेगा और जो आपको है उनकी क्वालिटी नज़र आएगी। तो ऐसा ही मैं छोटा मोटा वीडियो लाता रहूँगा। तो ये वाले जो माल है ये अभी आज का जो वीडियो है, आज के बाद में शायद ये वाला माल नहीं मिलेगा, क्योंकि कल वीडियो के अनुसार मैं इनको आपको बांग्लादेश बॉर्डर के पास में भेजने वाला हूँ। ये ऑलरेडी बुक हो चुका है। तो कोई भाई लोग पूछते हैं कि आपके पास में पिक अवेलेबल है, फिर भी आप बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन कोई बुक्ड है भाई, किसी ने पैसा दे दिया है, तो ये मैं उनके साथ में गद्दारी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं इनको कुछ भिजवा दूँगा। जो कुछ अगर रह जाते हैं कुछ एक दो पीस, तो फिर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ऐसा ही छोटा मोटा मैं वीडियो लाता रहूँगा। और ये हमारा नर है, ये पहले आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लैक नहीं था, ये ब्राउन ही था। आपको ब्राउन होने के बाद में देखिए, ब्राउन होने के बाद में सनलाइट पड़ने के बाद में ये थोड़ा ब्लैक 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 हो गया। सब लोग पूछते हैं कि नहीं थोड़ा सा कॉपी माल दे रहे हो या फिर डुप्लीकेट माल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सनलाइट लगने के बाद में इसका कलर थोड़ा डार्क डार्क टाइप का दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये ब्राउन कलर का है, ब्राउनिश कलर का है जो इनका है जो है। अभी देखिए इनमें जो क्वालिटी है, अलग अलग मैं आपको क्वालिटी दिखा दूँ। अब इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं थोड़ा डार्क रेड हो चुकी है, अब इसकी क्वालिटी थोड़ी देख सकते हैं आप, थोड़ी डार्कनेस ब्राउन ब्राउन टाइप की है, तो हल्का हल्का कलर के, तो जो धूप में रह जाते हैं तो उसके कलर थोड़ा सा इफेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए इसको भी देखिए, ये धूप के अंदर में नहीं है, छाँव के अंदर में है, तो इसकी कलर देख लीजिए आप, इसका भी कलर आप देख लीजिए, इसका भी कलर ऐसा है। तो ऐसा है कि धूप के अंदर में आने के बाद में थोड़ा सा इफेक्टेड होता है इनका जो कलर के, थोड़ा सा इफेक्टेड होता है, कलर में अंतर हो जाता है। बाद में इनके बाल गिरते रहते हैं तो नए बाल आते रहते हैं, तो कलर चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डुप्लीकेट ब्रीड दूंगा, बाद में जाके किससे कलर क्रॉस कराने के बाद में आपको मैं डुप्लीकेट ब्रीड दे रहा हूँ, या फिर आप कहेंगे कि नहीं भैया आप हमको डुप्लीकेट ब्रीड देते हैं या बाद में आप हमको छटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ब्रीड लेके आया हूँ मैं डायरेक्टली आपको बताया, आपको नेपाल के एक भैया के ऑनर से मैं लेके आया हूँ, और उसके जो फॉर्म के लेके आया हूँ, जो उनकी मादा और जो उनके गिल थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे, बहुत ही ज़्यादा हाइटेड वेटेड वाले थे, तो उनको एक्चुअली क्या है 450 kg तक पहुँच गए थे। मैं एक्चुअली मैं बता दूँ तो 250 के अंदर में, तो एक्चुअली कैसे पहुँचते हैं, अगर आप इनको ज़्यादा खाना खिलाएंगे तो इस वजह से इनका वेट ज़्यादा गेन हो जाता रहता है, तो वेट ज़्यादा गेन होने से फिर बाद में इसको क्रॉस की जो क्या बोलते हैं करने में इनको जो है तकलीफ हो जाती है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख दीजिएगा, आप अपने फॉर्म पे आपको तो पता ही है ओरिजिनल ब्रीड है, तो ये आगे जाके आपको जो है फ़ायदा ही देगा। तो ये क्वालिटी करते करते आप देख लीजिएगा। और दाने पर अभी क्या बताएंगे आपको, मैंने बता दिया सुबह शाम आप दे सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए आप एक पुआ 250 ग्राम करके स्टार्टिंग में दीजिए, फिर 800 ग्राम हो जाता है, फिर 1000 ग्राम हो जाता है, मतलब 1 kg हो जाता है। तो इसी हिसाब से दे दीजिएगा जो इतना खा सकता है बेहतर है। अगर आप बड़े वाले गिल्ट है जो नर है या फिर मादा है, इनको सुबह 2 किलो शाम को 2 किलो दे सकते हैं, इनसे इनका जो वज़न है बहुत तेज तरीके से गेन होता है। तो इसी तरीके का छोटा मोटा मैं वीडियो लाता रहूँगा, आप मेरे साथ में सब लोग जुड़ते रहिएगा, और कोई ज़रूरी कुछ चीज़ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मैसेज कर सकते हैं। तो अगर ये सब जितने भी हमारी मादाएं हैं वो ऑलरेडी अभी क्रॉस हो चुकी है, तो अभी किसी और को चाहिए तो नेक्स्ट 3 मंथ्स और रुकना पड़ेगा, 3 मंथ्स या 5 मंथ्स और रुकना पड़ेगा, उसके बाद में ये अभी प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके बाद में ये अभी बच्चा देंगे। तो इसी तरीके का मैं छोटा मोटा वीडियो लाता रहूँगा सभी के साथ में, यूं ही मैं प्यार
आप मुझे प्यार देते रहिए और बांटते रहिए मेरे साथ में, और मेरे छोटे से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब काइंडली बहुत जरूर कर दीजिएगा। और आज एक दो दिन के अंदर में मैं फिर दोबारा वीडियो बनाना चाहूँगा। ये दो रो खाली हो जाएगा, इसको भी हमने भेजना है एक्चुअली में, तो ये रेडी टू क्रॉस है, इसको भी हमने भेज देना है। पहले हमारे पास में 7-8 थे, वो हमने भेज दिया नॉर्थ लखनपुर की तरफ से, वहाँ उनको क्रॉस करवा दिया गया है, ले गए हैं वो। तो यहाँ पे एक ये है, तो इनको भी हमने निकाल देना है। इनको भी आपको वेस्ट बंगाल सॉरी आपको ये जाएगा आपको ये भी डिमांडेबल है, ये भी जाएगा उसी साइड में जिस साइड में ये लोग बच्चे लोग जाएंगे, एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो ये भी उधर ही जाएगा। तो जिस दिन आपको निकलेगा इस दिन भी आपने कर देना है, आपको वीडियो बना देना है। तो इसी तरीके का छोटा मोटा वीडियो लाता रहूँगा और मेरे साथ में जुड़ते रहेगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब काइंडली बहुत जरूर कर दीजिएगा। किसी को कुछ पूछना है तो भी आप मुझसे मेरे नंबर पर संपर्क करते हैं। इसी के साथ छोटे से वीडियो को समाप्त करते हुए सभी को जय श्री राम।